नमस्कार कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। कुंभ राशि वालों दोस्तों, हो जाइए सावधान, दोनों हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, इस बार दोस्तों कोई भी गलती मत करना, नहीं तो कुंभ राशि वालों आपको जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। जी हाँ कुंभ राशि वालों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, आज की यह वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर निर्माण किया गया है। हम आपको बताएंगे आने वाले अगले 4 दिनों में आपका व्यापार कैसा रहेगा, आपकी नौकरी कैसी रहेगी, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, तो आपके प्रेम संबंध कैसे रहेंगे, पारिवारिक जीवन यापन के लिए, विद्यार्थियों के लिए, प्रेमी जोड़ों के लिए व खासकर बेरोजगार लोगों के लिए समय कैसा रहेगा, कौन कौन से बदलाव होंगे आपके लिए, क्या सकारात्मक होंगे और क्या क्या नकारात्मक होंगे, इसके लिए आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, कौन कौन से बातों का विशेष ध्यान में रखकर समय के साथ चलना चाहिए, कुंभ राशि वालों कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे, किन किन क्षेत्रों में लाभ होगा और कौन कौन से कार्य करने से अभी आपको धन की प्राप्ति होगी, कुंभ राशि वालों समस्त जानकारियां देंगे ग्रह गोचर की बदलती चाल के अनुसार 101% सटीक। कुंभ राशि वालों पूरी पंचांग गणना और कुंडली विश्लेषण करने के बाद आज की इस वीडियो का निर्माण किया गया है। इसमें हम आपको बताएंगे आने वाले अगले 4 दिनों की संपूर्ण राशिफल। वीडियो के बीच बीच में कुछ विशेष सावधानियां बताएंगे और कुंभ राशि वालों अंत में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे जिन्हें कुंभ राशि वालों आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। परंतु उससे पहले जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे दीवाने हैं, सच्चे भक्त हैं, वीडियो को लाइक करके पूरी शिद्दत से जय भोलेनाथ जय शिव शंभू लिखेगा, उन्हें भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद तो प्राप्त होगा ही, साथ ही गुरु जी का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो आप जरूर लिखिएगा। चलिए कुंभ राशि वालों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और वीडियो की शुरुआत करते हैं एक बहुत ही बड़े सुंदर अनमोल विचार के साथ। देखिए कुंभ राशि वालों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं लोगों की बातों को दिल पर लेना छोड़ दीजिए, अधिकतर लोगों की बातें मनोबल गिराने वाली होती है, यहाँ तक अमरूद खरीदते भी लोग पूछते हैं मीठे है ना, बाद में उसे नमक लगा कर खाते हैं, लोगों ने यहाँ तक भगवान को भी नहीं छोड़े हैं, हम और आप तो फिर भी साधारण मानव हैं, लोग पता है हमें ऐसे छोड़ देंगे। दोस्तों बात अगर आपको समझ आई हो, भगवान श्री कृष्ण के अनमोल विचार अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, सच्ची लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा राधे राधे जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। चलिए कुंभ राशि वालों बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं तुला राशि वालों, परिस्थितियां आपको कोई विशेष उपलब्धि देने वाली है, इनका उचित सदुपयोग करें, घर में नजदीकी संबंधियों के आगमन से खुशी भरा माहौल रहेगा तथा विशेष मुद्दे पर भी वार्तालाप भी होगा, किसी की भी मुख्य समस्या का भी हल इस समय मिल सकता है तुला राशि वालों, लेकिन इस समय लापरवाही और जल्दबाजी आपको बड़े जो है कानूनी पचड़े में डाल सकता है, इसलिए आपको लापरवाही किसी भी चीज में नहीं करना है, इस बात का जरा ध्यान में रखिएगा तुला राशि वालों। वहीं दोस्तों अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यह समय पारिवारिक गतिविधियों में भी सपना जो है सहयोग देना आपका काफी दायित्व है, कभी कभी ऐसा प्रतीक हो सकता है कि भाग्य साथ नहीं दे रहा है, हालांकि यह आपका भ्रम ही है, समय अनुसार चीजें उपस्थित होती जाएंगी, बस आपको थोड़ा सा धैर्य बनाकर रखना होगा, किसी भी चीज में जल्दबाजी करना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, आपको थोड़ा सा समय का इंतजार करना ही उचित रहेगा, अनुभवी लोगों का सानिध्य मिलेगा, सभी सोचे समझे काम शांतिपूर्ण तरीके से हल होते जाएंगे, बच्चों के भविष्य को लेकर भी कुछ योजनाएं फलीभूत होंगी, परंतु दिल की बजाय दिमाग से काम लें, ये आपके लिए उचित रहेगा और इससे आप उचित निर्णय भी ले पाएंगे। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे दिन की शुरुआत में ही अत्यधिक व्यस्तता की वजह से कुछ चिड़चिड़ापन आपके ऊपर हावी रह सकता है,
इस बार थोड़ा ध्यान रखिएगा, गुस्से और चिड़चिड़ापन से थोड़ा दूरी बनाकर रखिएगा तो आपके लिए ही अच्छा रहेगा। ज़्यादा भावुक ना बने, कोई अन्य व्यक्ति इसका गलत फायदा भी उठा सकता है जिनका खमियाजा आपको बाद में भुगतना पड़ेगा। जरा ध्यान रखिएगा, किसी भी परेशानी में घर और सदस्यों की सलाह लेना आपके लिए उचित है। देखिए, कोई नया कार्य अगर आप शुरू करना चाहती हैं तो आप अपने घर के कोई जो है एक्सपर्ट जानकार व्यक्ति है तो उनसे आप सलाह मशवरा फैमिली डिस्कशन कर लें तो अभी आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि ग्रह सितारे हमें यह संकेत कर रहे हैं कि आप इस समय बड़े धोखे में पड़ सकती हैं। अकेले निर्णय आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, इसलिए दोस्तों माता पिता का सहयोग लेना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा किसी भी प्रकार का काम निकालने में सक्षम रहेंगे, परंतु अपने कार्य प्रणाली भी निश्चित रूप से रूपरेखा जरूर बना लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। मोबाइल अथवा ईमेल द्वारा कोई महत्वपूर्ण सूचना अभी आपको मिल सकता है, इसलिए अपने फोन को इस समय नजरअंदाज ना करें तो आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके दिनचर्या के लिए जो समय होंगे, अनुभवी लोगों तथा प्रकृति के सानिध्य में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। इससे आपको सुकून मिलेगा और बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। हालांकि बड़ी मेहनत के बावजूद उचित परिणाम आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसे सिचुएशन में आपको जो है शांतिपूर्ण रहना होगा, क्योंकि सब समय एक जैसा नहीं होता है। अगर आपको अभी मेहनत का उचित फल नहीं मिल रहा है तो आने वाले समय में आपको जरूर मिलेगा, बस अपना सब्र की बांध को टूटने नहीं देना है, यही आपका सबसे बड़ा दायित्व है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, यह समय कारोबारी मामलों में काफ़ी ज़्यादा सुधार आएगा। स्टाफ तथा कर्मचारियों के सहयोग से आपको बेहतरीन निर्णय लेने में सक्षम और आसानी होगी। नौकरी में अपने काम के प्रति किसी भी प्रकार की लापरवाही अभी आप ना बरतें, क्योंकि प्रमोशन के योग बन रहे हैं। आपको इस समय कामों पर अधिक से अधिक ध्यान देना चाहिए जो कि आपके लिए अच्छा रहेगा। व्यवसाय कार्य प्रणाली को गति देने का अनुकूल समय है और इस समय अपनी ऊर्जा मार्केटिंग संबंधी कार्यों तथा पेमेंट आदि कलेक्ट करने में लगाएं। इससे आर्थिक नजरिए में दिन काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहेगा, परंतु अधीनस्थ कर्मचारियों की किसी भी गलती की वजह से नुकसान भी हो सकता है। इस बात का अभी आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, और अगर कोई अनजान व्यक्ति है, खासकर अगर आप यात्रा कर रहे हैं, तो ज़रा सावधान रहिएगा, क्योंकि सितारे हमें यह दर्शा रहे हैं कि आपके साथ गलत या फिर धोखाधड़ी ठगी हो सकता है। इस बात का ज़रा ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, बिजनेस में नया काम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो समय अच्छा है, सिर्फ उसके बारे में पूरी जानकारी ज़रूर हासिल कर लें। नौकरी के लिए कोशिश कर रहे लोगों को सफलता मिलने की काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनी है, बस आपको प्रयास जारी रखना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय पति पत्नी के बीच घर की किसी समस्या को लेकर व्यावसायिक मतभेद रहेंगे। देखिए, प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना रहेगी, आपको एक दूसरे का जो है काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना होगा। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय व्यस्तता की वजह से आप अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देंगे, जिसकी वजह से थकान और अपच जैसी समस्या रहेगी। आयुर्वेदिक चीज़ों का अधिक से अधिक प्रयोग करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। समस्या ज़्यादा हो तो आप डॉक्टरी परामर्श सलाह ले सकती हैं, ये आपके स्वास्थ्य के लिए उचित रहेगा।